अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बोलूँगा। आप पता नहीं, आपको अजीब सी लगेगी, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, मुझे नहीं मालूम। बट दिस इज़ समथिंग मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और मुझे इससे फ़ायदा हुआ, तो मैं आपको भी बता सकता हूँ कि ये आप कर सकते हैं। काफ़ी साल पहले, 5 साल पहले तकरीबन, मुझको घबराहट, बहुत साल से वैसे घबराहट होती थी कि लोग सियासत पे बातें कर रहे होते हैं, और रिक्शे वाले से लेके जिधर भी जाओ वो सियासत के ऊपर बातें कर रहा होता है। कॉन्स्टेंटली जो है ना, अपने मुंह से बुराइयाँ निकाल रहे होते हैं, साला वो और मैला वो, और जितने जानवरों के नाम आते हैं वो सब गिनवा के उसके बाद हर पॉलिटिशियन का नाम लिया जाता है। और मुझे बहुत अजीब सा लगता था। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, 5 साल 7 8 साल का भी था, तो भी हर शादी के ऊपर मेज़ों पे इसी किस्म की बातें हो रही होती थी। तो एक सिर्फ मेज़ ऐसी होती थी जो कि हमारे एक अजीज़ हैं उनकी होती थी, इफ्तिखार अल्लाह वाला और उनके दो भाई, उनकी जो मेज़ होती थी दैट वाज मोर प्रोडक्टिव एंड दैट वाज मोर, वहाँ पे शेयरिंग जो होती थी कि ट्रैवल के ऊपर बातें हो रही होती थी, या मसाइल के हल भी साथ साथ नज़र रहे होते थे कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व इट। हमारा जो घराना है, जो मेरा ननियाल है, वो भी बहुत, ये तो ददियाल था, लेकिन ननियाल जो है वो भी बहुत ही ख्याली पलाव वाला है, यानी कि ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए। वो भी, वी नेवर टॉक्ड वेरी नेगेटिव इन आवर ननियाल कि जी ख़राब है, ख़राब है, बट दिस इज आर द अपॉर्चुनिटीज़ जो हो सकती हैं उस पर बात हो रही होती थी, यार ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ख्याली पलाव बहुत बनाया जाता। सो एनीवेज, अब 5 साल 6 साल पहले से मैंने सोचा कि यार मेरे अंदर ताकत पैदा हो कि मैं ये बोल सकूं कि जब कोई ख़राब बात हो रही तो मैं वहाँ से हट जाऊँ कम से कम। तो तकरीबन 3.5 4 साल पुरानी बात है, मैं मलेशिया में, एक हमारे दोस्त हैं उनके घर पे बारबेक्यू पे इनवाइटेड था, और वहाँ पे एज़ यूजुअल पाकिस्तानियों की महफिल में पॉलिटिक्स पे बात शुरू हुई, और 2 4 5 मिनट भी गुजरे तो मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा आप सब मेरे से बड़े हैं, मैं यहाँ मेहमान हूँ, पहली दफ़ा आपने बुलाया है, बट मैं माजरत चाहता हूँ, या तो आप पॉलिटिक्स के अंदर इसका सोल्यूशन भी दें, या आप इसको मौजू को बदलें और कोई ऐसा मौजू निकालें जिससे मैं कुछ सीख सकूँ और आप भी कुछ सीख सकें। तो मैं बहुत घबरा रहा था ये बोलते हुए, लेकिन उन्होंने मुझे बिठाया, नहीं नहीं आप बैठ जाएं प्लीज़, कोई मसला नहीं, हम मौजू चेंज कर लेंगे, फिर दोबारा शुरू हो गए। तो जब दोबारा शुरू हुए तो मैं खड़ा हो गया, मैं जाके दूसरा जगह पे खड़ा हो गया। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, और वहाँ से मैंने अपने पर, क्योंकि मैं रेडी था ये बोलने के लिए कि नहीं, नेगेटिविटी इज़ नॉट गुड। तो वहाँ से कंटिन्यू होते होते, अब फेसबुक हो या और जगह हो, तो अब मैंने नेगेटिविटी कोशिश करी है कि मैं अपने मुँह से गंदा लफ्ज़ ना निकालूँ, किसी को बुरा ना कहूँ, और जो मैं कर सकता हूँ वो करता चला जाऊँ, जो मैं नहीं कर सकता हूँ उसकी मैं फिक्र नहीं करूँ। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे, मैं, मेरा ये ख्याल है कि मेरा यकीन है कि मैं बीज से पौधा नहीं निकाल सकता, कभी भी नहीं निकाल सकता, मेरे पास ये कोई ताकत ऐसी नहीं है। मैं अंडे से चूज़ा भी नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं बीज को हर अपने जज्जी पुश्तियों की तरह, हमारे सबकी जज्जी पुश्तियों की तरह बीज को ज़मीन में लगा सकता हूँ, अंदर दबा सकता हूँ, पानी दे सकता हूँ, गोद सकता हूँ मैं ज़मीन को, फिर इंतज़ार कर सकता हूँ कि उस बीज में से कुछ निकलेगा और वो पौधा बनेगा, और पौधे से दरख्त बनेगा, दरख्त से फ्रूट निकलेंगे और फ्रूट हम खा लेंगे। अब इस प्रोसेस में 3 साल से लेके 30 साल और कुछ पौधे उससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं फलने फूलने में। ये जो हमारे अंदर जल्दबाजी है ना कि भाई ये यूं हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, हमें अपने मुंह से ये गंदे अल्फाज निकालने बंद करने होंगे, मर्जी आपकी करें ना करें, मैं तो कम से कम नहीं करना चाहता। तो एंड उसके बाद मुंह से अल्फाज गंदे भी नहीं निकालेंगे, और क्योंकि ये अल्फाज एक तरह के बीज होते हैं, हमारा इल्म एक तरह का बीज होता है। आज मैं बात बोल रहा हूँ, हो सकता है आप बात सुने और आप मुझे 2 4 बातें बुरी कहें, और हो सकता है आपके दिमाग में कहीं फंस जाए और इसमें से कोई छोटा सा एक पौधा निकले और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त कन्वर्ट हो जाए।
मैं तो अपने हिस्से का पौधा लगा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इस्तेमाल करें ना करें, और पता नहीं फ्रूट कौन खाए। तो इसी तरह से अब मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप अगर टीवी पे कोई नेगेटिव बात हो रही है चैनल चेंज कर दें, फेसबुक पे कोई बात बुरी नज़र आ रही है उसको शेयर ना करें, लाइक ना दबाएं, और इनबॉक्स करके प्यारे भाई ये अच्छी बात नहीं है इसको बंद कर दें, चाहे तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दें कि भी क्यों आप कह रहे हैं, और जो अच्छी बात आपको नज़र आए उसको हेल्प करें, उसको प्यार करें, उसको मोहब्बत दें, उसके साथ ख्याल करें, और हमारे तो बख्शिश इस पे हो जाएगी। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है परेशान होने की कि फलाने ने किसी को मार दिया, फलाने ने किसी के साथ बुराई कर दी, फलाने ने किसी, हमें उससे क्या हासिल होगा, हमें हासिल क्या हो रहा है, हमने अपना वक्त भी ज़ाया किया, हमने अपना टाइम अपना एनर्जी भी ज़ाया करी, हम उसी एनर्जी को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अपनी ज़िंदगी का मोटो बनाएं कि जो कर सकते हैं पॉजिटिव वो कर लें, जो नहीं कर सकते उसकी फिक्र ना करें, और जो नहीं कर सकते उस पर मुस्करा दें और आगे चलें। चारों तरफ बुराई नज़र आ रही है, चारों तरफ हंगामा नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें शामिल हो जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब टाइम था इससे ज़्यादा बुराई होती थी, तो वहाँ पे भी अच्छाई आ गई, और बहुत सारे टाइम आए हैं, हम जिस टाइम में रहते हैं यार वो बहुत बेहतरीन टाइम है, क्या टाइम है, आप सोचे तो सही कि मैं अपने घर में आराम से बैठा हुआ हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, गप लगा रहा हूँ, आप पता नहीं दुनिया के किस कोने में हो गए, मैं कराची में बना रहा हूँ, इसी तरह से आप उसको बैठ के देख रहे हैं, आप इसी तरह से अपना मोबाइल निकाल के आप भी फिल्म बना के डाल सकते हैं, आप अपना पैगाम आप दे सकते हैं, हम बटन दबाते हैं दुनिया के किसी और कोने में क्या कहते हैं मैसेज चला जाता है, हम फोन उठा के बटन दबा के बोलते हैं भाई जरा खाना ला दो, घर पे खाना आ जाता है, हम बटन बना के बोलते हैं भाई जरा चाय ला दो, घर पे चाय आ जाती है। यार क्या जमाना है, डिलीवरी का सिस्टम आ गया है, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, जहाज में बैठते हैं इधर चले जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था 100 साल पहले, इतना खूबसूरत टाइम जहाँ पे वो फोन उठाते हैं टोंग टोंग टोंग, 25 किलोमीटर दूर आदमी, 500 किलोमीटर दूर आदमी, 1000 किलोमीटर दूर आदमी, 10,000, हाँ जी कैसे हो, ठीक हो, खैरियत है सर, 1 रुपए में बात हो जाती है। यार कमाल है, इतना खूबसूरत टाइम, इतना जबरदस्त टाइम, और आप लोग जो है वो परेशान है कि जी ये तो टाइम खराब है। कौन सा जमाना होगा कभी सोचें कि ओबामा भाई के पास और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास और एक पाकिस्तान के नॉर्मल आदमी के पास फोन हो, फोन हो, मतलब फोन सोच भी नहीं सकते थे लोग, आज से 15 साल पहले लोग जो है वो सिफारिशें कराते थे प्राइम मिनिस्टर से कि फोन लाइन लगवा दो, और 15 साल के बाद ऐसा टाइम उसी मुल्क में आ गया कि हर एक पान वाला भी रेड़े वाला भी जिसको जो लगता है हाथ यूं ग्लू हो गए यूं चल रही होती पब्लिक, तो इतना खूबसूरत टाइम आ गया है और आप फिर भी परेशान हैं, तो इस परेशानी को दूर करें, इसके बारे में सोचना बंद करें और देखें कि क्या परेशानी है, उस परेशानी पे सोच कर सोचें, 10 मिनट रोज सोचें, 15 मिनट रोज सोचें, 20 मिनट सोचें, और वो सोचने का जो आपका टाइम है उस टाइम को इस्तेमाल करके उसका हल निकालने की कोशिश करें, 10 आदमियों से बात करें, 20 आदमी से बात करें, 100 आदमी से बात करें, पूछें भाई हमारे यहाँ ये प्रावधान है हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, गटर बह रहा है इसको हल कैसे कर सकते हैं, ये नहीं यार हुकूमत ही कराएगी, भाई हुकूमत क्यों कराएगी, हुकूमत के आसमान से फरिश्ते हैं जिन भूत हैं क्या है, हुकूमत क्या होती है, आप हुकूमत हैं, आप सुनने वाले आज जो देख रहे हैं आपके मोहल्ले में गटर बह रहा है ना, आप नहीं ठीक करेंगे तो बाहर से कहाँ से आए, काउंसलर क्या होता है, कोई गैबी मखलूक होती है, वो आपके टैक्स मनी से तो निकालता है, टैक्स भी नहीं देते हम, तो कैसे ठीक होगा, मतलब जादू की छड़ी आएगी, क्या हो, क्या चाहते क्या हैं आप, क्या हो जाए ठीक हो जाए, मतलब नवाज शरीफ एक इंसान है या एक जरदारी एक इंसान है या जो भी हमारा प्रेसिडेंट करंट हो वो एक इंसान है, वो आप ही की तरह एक इंसान है, वो 24 घंटे उसके पास भी है, 180 मिलियन की लोगों की वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, आपको करना होगा, आपको कोलैबोरेट करना होगा, आपको मदद करनी होगी, आपको मोहब्बत दिखानी होगी, हम पुलिस वाले से प्यार से बात तो कर नहीं सकते, ईद पे उसके पास मिठाई भी नहीं भेजवाते, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे मोहल्लों की हिफाजत करे, क्या क्यों हिफाजत करेगा वो, किस तरह से बात करे, क्या उसके घर में बच्चे नहीं है, क्या उसके पास दिल नहीं है, क्या उसके पास डिजायर्स नहीं है, वो भी आपकी तरह का इंसान है दोस्त, जाएं हफ्ते में 1 घंटे बैठा करें उसके साथ, उसकी हेल्प करें, यार FIR कटाने में भाई तू जरा चाय पी मैं तेरे लिए FIR लिख देता हूँ, कुछ भी करें डू एनीथिंग, किसी के लिए भी 1 घंटा तो निकालें अपने हफ्ते में से, फिर आप को जायज है कि आप किसी के बारे में कंप्लेन करें,
अपने अंदर से जो कड़वाहट है इसको निकाल के फेंक दें। अगर आपके अंदर बहुत कड़वाहट है तो मैं गुजारिश करूंगा कि एक आना पाना सीख लें, उसकी फिल्म भी मौजूद है। आपसे गुजारिश करूंगा मेडिसिन लेस क्लिनिक वाले हैं उनके पास चले जाएं, कहीं जाएं, इस कड़वाहट को कम करें, नहीं तो ये कड़वाहट आपके लिए सर का दर्द, बुखार और कैंसर और दुनिया जहां के मसाइल पैदा कर देगी। आपके जिस्म के अंदर से गड़बड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग से जनरेट होता है। जब हमारा दिमाग ही ठीक नहीं होगा तो हम आगे क्या चीज करेंगे। मुझे 3 साल हो गए हैं, 2 साल 3 साल हो गए हैं ये गुर्बत के खात्मे के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं सारा काम जो भी कर रहा हूँ अल्लाह मियाँ उसको कबूल कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे यहाँ वाली जो मंजिल है इसका है, इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि हम सब कुछ भी कर देते हैं उसके बावजूद भी लोग उसको लेने को तैयार नहीं। मतलब हमने दवाई ला के सामने रखी है, पानी के साथ खाने को भी तैयार नहीं। तो ये तो सिर्फ माइंडसेट को ठीक करने की जरूरत है। माइंडसेट ही नहीं ठीक होगा, गरीब समझ रहा है गरीब ही रहेंगे, परेशान जगह वाला रहता है हमेशा परेशान रहेगी। कोई चीज दुनिया में हमेशा नहीं रहती, कोई भी चीज हमेशा टल जाती है। अगर आप यही सोचते रहेंगे हाँ हमारे तो किस्मत ही नहीं ठीक हो सकती, तो आपकी किस्मत नहीं ठीक हो सकती। और आप कहें हाँ मेरी किस्मत में प्रॉब्लम थे, कोई बात नहीं मैं हल करूंगा, आगे जाके उसको ठीक हो जाएंगे। हाँ दोस्त बताओ कैसे करें। आप पहले उसको 2 गाली देते, फिर उससे कहते हैं मेरा काम करो, कैसे करेगा वो। तो अपने अंदर से अच्छाई पैदा करें, जब आप अंदर से अच्छे हो जाएंगे तो चारों तरफ मैजिकली जादू से, वो जादूगर हैं आप, अंदर चारों तरफ से जादू से हो जाएगा। कोशिश तो करें, इस अच्छाई करने में आपका दीन नहीं खराब हो रहा, अच्छा हो रहा है, आपका ईमान खराब नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है। तो आपको क्या परेशानी है इसको करने में। अगर कोई खराब है उसको खराब से रोकना से पहले हमें अच्छा बनना होगा। और फियर को अपने अंदर से कम करें। डेंजर रियल होता है, फियर नकली होता है। फियर वो चीज़ होती है जो कि डेंजर को सामने रखते हुए हमारा दिमाग पहले से देखना शुरू करता है, वो ये मोबाइल है और ये जो मोबाइल है चोरी हो जाएगा। अभी जब होगा, जब परेशानी, आप ध्यान रखें, लेकिन आप उस मोबाइल जो कि 4 साल में आपका शायद एक दफा खुदा ना करे चला जाए, उसके लिए आप हर रोज 15 मिनट अपने दिमाग में परेशानी पैदा करते हो, वो चले जाएगा, क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो, कैंसर होगा और कुछ नहीं होगा, मोबाइल तो नहीं जाएगा यहाँ पे, कैंसर या ट्यूमर निकल आएगा। इतनी परेशानी आप अपने सर पे मान लेंगे। स्ट्रेस क्रिएट करते हैं फॉर नो रीजन। क्यों स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं? स्ट्रेस आपको मार देगा जान से। तो ये भाई अजीब सी बात थी आज की, और बहुत बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, अच्छी लगी हो तो आपके पास कर दें शेयर का बटन दबाएं, और समझ में आई हो तो अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं है इसमें। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपको सिर्फ जो अच्छी बात मुझे पता चली थी, कोशिश करी थी, अप्लाई करी थी, वो मैं आप तक पास ऑन कर रहा हूँ। और थैंक शुक्रिया, अस्सलाम।